नमस्कार, गुड इवनिंग। डॉक्टर ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का यह प्रयास कि आप रखें अपना ख्याल, इसीलिए हर सोमवार शाम 6:30 से 7 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं खास कार्यक्रम डॉक्टर ऑनलाइन। और आपको बता दें, आज प्रोग्राम में खास तौर पर हम बात करेंगे एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स के बारे में, यानी कि गुदा एवं मलाशय संबंधी विकारों के बारे में। क्यों होती है ये प्रॉब्लम, क्या बदलती लाइफस्टाइल, एक बदलती जीवन शैली इसका कारण है, और अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है तो किस तरह के मिथ हमारे दिमाग में आते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स हमें लगती हैं, क्या सर्जरी की जानी चाहिए या नहीं, इन तमाम बातों पर आज हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस छोटी सी रिपोर्ट पर। समय के साथ आधुनिक होते समाज में हमारी जीवन शैली में भी बड़ा बदलाव आया है। जीवन शैली के कारण पाचन से जुड़ी परेशानियां बढ़ गई हैं। पाचन कमजोर होने से गुदा और मलाशय संबंधी कई बीमारियों के होने की आशंका बढ़ जाती है। इनमें पाइल्स और फिशर महत्वपूर्ण हैं। इन समस्याओं से रोजमर्रा के जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और दर्द से जीवन मुश्किल हो जाता है। एनोरेक्टल डिसऑर्डर यानी गुदा और मलाशय संबंधी बीमारियों के कारणों की बात करें तो लंबे समय तक कब्ज का होना, मोटापा, फूड एलर्जी, मसालेदार और तले भुने चीजों का सेवन करना, शारीरिक गतिविधि कम करना, गर्भावस्था, अधिक समय तक एक ही स्थान पर बैठे रहना, भोजन में फाइबर की कमी होना, रात को अधिक देर तक जागना, धूम्रपान और शराब का अधिक सेवन, पानी का सेवन कम करना और डिप्रेशन प्रमुख हैं। एनोरेक्टल डिसऑर्डर में परेशानियां बढ़ जाती हैं और रोगी का रोजमर्रा का जीवन प्रभावित होता है। इससे जुड़े कुछ लक्षणों की बात करें तो मलाशय में जलन और सूजन, गुदा के आसपास मस्सा, गांठ या चिरका होना, मल त्यागते समय खून आना और दर्द होना, बार बार मल त्यागने की इच्छा होना, कई अवसरों पर बार बार पेशाब के लिए जाना। किसी दूसरी बीमारी की तरह इसके इलाज के लिए भी डॉक्टर से तुरंत सलाह लेने की जरूरत है। लंबे समय तक इन समस्याओं को नजरअंदाज करने से कई तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें एनीमिया, उत्तकों का लगातार खत्म होना, गुदा, मलाशय और पेट का कैंसर प्रमुख हैं। एलोपैथ के साथ साथ होम्योपैथ और आयुर्वेद में भी इसका इलाज उपलब्ध है। आयुर्वेदिक औषधियों को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर इस बीमारी से बहुत हद तक बचा जा सकता है। आयुर्वेद में अपार संभावनाएं हैं और आयुर्वेद के सहारे इस बीमारी को ठीक भी किया जा सकता है। योग के सहारे भी अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है। योग न सिर्फ हमें जीवन की नई राह दिखाता है, साथ ही कई तरह की शारीरिक गड़बड़ियों को ठीक भी करता है। होम्योपैथ में भी इन बीमारियों के इलाज की समुचित व्यवस्था है। एलोपैथ में भी इन बीमारियों के इलाज के लिए कई दवाएं मौजूद हैं और दवाइयों से अगर काम न बने तो फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। जीवन शैली में बदलाव कर इन बीमारियों से बचा जा सकता है और आयुर्वेद के सहारे इन समस्याओं को ठीक किया जा सकता है और जीवन में खुशहाली बरकरार रखी जा सकती है। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने जाना कि एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स के क्या क्या कारण होते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद होंगे 3 एक्सपर्ट। चलिए आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश मीना, जो है मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा CGHS RK पुरम नई दिल्ली से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर नवल कुमार वर्मा, फिजिशियन एंड एडवाइजर टू MOS आयुष होम्योपैथी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नवल। और हमारे साथ हैं तीसरे एक्सपर्ट डॉक्टर आशीष सदाना, जो हैं सीनियर कंसल्टेंट जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वेंकटेश्वरा हॉस्पिटल नई दिल्ली से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर राकेश मीना, आपसे जानना चाहेंगे, आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो जीवन शैली बदल रही है, लाइफ स्टाइल बदल रहा है, लेकिन क्या केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स के? जी मैम, बहुत ही जेन्यून और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि आजकल की बिजी लाइफस्टाइल, बिजी शेड्यूल और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से जी ये एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स, या बात करें गुदा मार्गत जो विकार है, डे बाय डे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आज से कुछ साल पहले जनरली ये कहा जाता था कि ये एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स मेनली ओल्ड एज में होते हैं, आफ्टर 50 ईयर्स, पर आजकल के फास्ट फूड का कल्चर में आ जाना, नियम मतलब भाग दौड़ की लाइफ में प्रॉपर डाइट नहीं ले पाना,
अच्छा, भाग दौड़ की बात आपने की, भाग दौड़ तो है लेकिन फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। जी मैम, उसकी वजह से फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो पाती, तो जो खाया हुआ आहार प्रॉपर रूप से डाइजेस्ट नहीं होता, और जब खाना प्रॉपर रूप से डाइजेस्ट नहीं होता है तो धीरे धीरे ये कॉन्स्टिपेशन का, बिल्कुल टेकिंग क्यू फ्रॉम दैट, कॉन्स्टिपेशन कब्ज का ये कारण बनता है। डॉक्टर नवल, तो आप तो होम्योपैथी से हैं, मुझे लगता है बहुत सारे लोग कड़वी दवाइयाँ नहीं खाना चाहते, छोटी छोटी मीठियाँ गोलियाँ जो हैं उसको खाकर ठीक होना चाहते हैं, तो होम्योपैथी में कितने केसेस आते हैं और कितनी जल्दी ठीक हो जाते हैं पेशेंट्स? सबसे इम्पोर्टेंट, होम्योपैथी मानती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि हमें पहले तो केसेस जो प्रिवेंट भी हम कर सकते हैं, फ्यूचर में वो डिजीज़ में टर्न ना हो, डेंजरस डिजीज़ में टर्न ना हो। हमारे पास आजकल आपको जैसे लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, लोग कॉल सेंटर्स या लंबी ट्रैवल करके अपनी जॉब्स पे जाते हैं, या फिर सिटिंग जॉब्स बहुत ज़्यादा कहीं भी जाते हैं, और वो अपनी पेल्विक मूवमेंट्स कम हो गई हैं, और वो बैठते हैं और फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, अल्कोहल लेते हैं, एक्सरसाइजेस पे ध्यान नहीं है, तो ये सारा लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं, तो उनको एनोरेक्टल डिजीज उनके प्रोन हो जाते हैं। तो यंग जनरेशन भी अब बहुत प्रोन हो गई है, पहले तो ओल्ड जनरेशन होती थी, तो इसमें हमारे पास पाइल्स के केसेस बहुत आ रहे हैं यंग जनरेशन को, उनको ब्लीडिंग पाइल्स, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स, पेनफुल पाइल्स बहुत कॉमन हो गए हैं। आजकल ये भी देखा गया है कि जो एब्सेस होती है एनल एरिया में, रेक्टल एरिया में, वो भी बड़े केसेस हमने कॉमनली देखे हैं। होम्योपैथी इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनली देखते हैं, देखिए हम सिर्फ डाइट ही नहीं, हम मानते हैं कि स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। यू आर स्ट्रेसफुल, यू आर नॉट टेकिंग गुड डाइट, यू आर नॉट डूइंग गुड एक्सरसाइज, यू आर नॉट आउटवर्ड, यू आर नॉट टेकिंग हेल्दी डाइट, इट्स अ साइकिल, यू आर इन्वॉल्वड इन अ साइकिल ऑफ नॉट अ गुड हैबिट ऑफ लाइफस्टाइल इन द प्रेग्नेंट लेडीज, बिकॉज प्रेग्नेंट लेडीज कैन नॉट टेक हार्ड मेडिसिन। प्रेगनेंसी की बात आपने कही, प्रेगनेंसी में एक्चुअली जिस तरह से वेट पुट ऑन होता है लेडीज़ का, वज़न बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर आता है, कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज़ की प्रॉब्लम बढ़ती है, और कहीं ना कहीं पाइल्स की प्रॉब्लम देखी जाती है आमतौर पर, और इंडियन कल्चर में खास तौर पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा आखिरी महीनों में जहाँ पर ड्राई फ्रूट्स दिए जाते हैं खासतौर पर सर्दियों में, तो वहाँ ये प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए, एक तो हार्मोन चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में, उससे कॉन्स्टिपेशन होना कॉमन है, तो एक तो उनको डाइट का थोड़ा रफेज का ज़्यादा ध्यान रखें, फ्लूड इंटेक ज़्यादा लें, और प्रेगनेंसी में गायनी डॉक्टर्स आजकल एक्सरसाइजेस भी बताती हैं, तो कुछ अपनी एक्सरसाइजेस का शेड्यूल रखें। जी, होम्योपैथी बहुत ही सेफ है। जैसे डॉक्टर नवल ने कहा कि आयुर्वेद और होम्योपैथी के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं और लोग उसे हाथों हाथ लेते हैं। आयुष मंत्रालय की स्थापना करना भी इसके पीछे यही एक कारण था कि लोग आयुर्वेदा और होम्योपैथी से जुड़ें। हमारे साथ डॉक्टर आशीष हैं। डॉक्टर आशीष, कई बार ऐसा होता होगा कि जब कोई भी दवाई काम नहीं करती तो पेशेंट्स आपके पास आते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और सर्जरी की जानी चाहिए, तो सर्जरी किन सूरतों में होती है और हर किसी के लिए सर्जरी करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, वो कौन कौन से केसेस होते हैं और कौन कौन से टाइप्स होते हैं पाइल्स के या एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स के? एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स बोलते हैं तो थोड़ा बड़ा स्पेक्ट्रम, बड़ी नंबर ऑफ बीमारियां उसमें इंक्लूड हो जाती हैं, जिसमें पाइल्स या रेक्टल प्रोलैप्स भी है, फिशर भी है, एब्सेस भी है इनका, और वीकनेस भी है, तो प्लस एनोरेक्टल कैंसर्स भी हैं, पूरा स्पेक्ट्रम में ये सब इंक्लूड हो जाता है, ये ग्रुप ऑफ डिजीज है, लेकिन सिम्टम सेम है। किसी को एनोरेक्टल कैंसर है तो भी उसको ब्लीडिंग हो सकता है, और किसी को पाइल्स है तो भी उसको ब्लीडिंग हो सकता है। तो जो कॉमन एज ग्रुप है जिसमें कैंसर्स होते हैं, अगर उस एज ग्रुप में किसी को ब्लीडिंग हुआ है तो उसको एंडोस्कोपी करा के रेक्टम को अंदर से चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। तो ये तमाम बातें हैं जिनका अगर ध्यान रखा जाए तो ज़्यादा दिक्कत ना हो, जैसे कि डॉक्टर आशीष सरदाना ने कहा। डॉक्टर राकेश मीना, आपसे जानना चाहेंगे, जब बात होती है आयुर्वेदा की तो आयुर्वेद में किस तरह से ट्रीट किया जाता है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को और पाइल्स की प्रॉब्लम को, क्योंकि सलाद खाना, रफेज खाना तो जैसे हमारी दिनचर्या से, हमारी डाइट से दूर होता जा रहा है। देखिए मैम, आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो आयुर्वेद में कहा गया है कि सभी बीमारियों का मूल कारण अग्निमांड है जी, और स्पेशली एनोरेक्टल डिसऑर्डर की हम बात करते हैं तो मेनली दो मेन कारण होते हैं, क्रॉनिक इंडाइजेशन और सेकंड नंबर है कॉन्स्टिपेशन। जैसे आयुर्वेद में कहा भी गया है कि रोगा सर्वव्यापी मंदे अग्नौ सुत्रा मुद्राणी चे, यानी सभी रोगों की उत्पत्ति में मूल कारण होता है अग्निमांड। अग्निमांड यानी हमारे भोजन के डाइजेस्ट पावर वीक हो जाना, जिससे हम प्रॉपर जो खाना खाते हैं वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता,
अनडाइजेस्टेड फूड हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत और छोटी आंत में, हाँ, वहाँ पड़ा रहता है, उसको आम कहते हैं, और उससे फर्दर विबंध या यूं कहें कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम। अब मेन चीज है कि मैम, मतलब कि क्रॉनिक इंडाइजेशन और विबंध होता क्यों है, तो उसका जैसे अभी मैंने बताया, सर ने भी बताया कि एक तो फास्ट फूड का कल्चर में आ जाना, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करना, फाइबर रिच डाइट का कम होना, एटलीस्ट जनरली 30 से 35 ग्राम फाइबर पर डे होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये सब चीजें चाहे फलों के रूप में ले या सब्जियों के रूप में ले, ग्रीन वेजिटेबल, और मैं कहूंगा कि फ्रूट जूस की बजाय फ्रेश फ्रूट ही खाना चाहिए, ताकि प्रॉपर फाइबर बॉडी को मिलता रहे। अच्छा, जैसे संतरे और मौसमी के जूस की बजाय आप संतरे और मौसमी खाएं, एग्जैक्टली मैम, ये ज्यादा हमारे बॉडी में फायदेमंद रहेगा। तो ये मेन दो है कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और क्रॉनिक इंडाइजेशन, इन दोनों को ट्रीट करने के बाद में बहुत सारी मेडिसिंस हैं जिन्हें कि हम अर्ली स्टेज में अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो हम आयुर्वेदा से बहुत अच्छी तरह से उनको मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि सर ने अभी बताया कि कुछ इन्वेस्टिगेशन की वजह से हम मतलब प्रॉपर अगर जाँच नहीं करवा पाए तो मतलब जो मेडिसिन से ठीक होने वाली बीमारियाँ हैं वो फर्दर कॉम्प्लिकेशन में या सर्जिकल इंटरवेंशन में कन्वर्ट हो जाती है। डॉक्टर नवल, जैसे डॉक्टर सदाना ने बताया कि स्टेजेस को हम देखते हैं, होम्योपैथी में आप किस तरह से डिटेक्ट करते हैं ये प्रॉब्लम कहाँ तक बढ़ गई है, कौन सी दवाइयाँ, क्या हार्ड मेडिसिन देनी है, या एज ग्रुप के हिसाब से आप देते हैं, क्या प्रोसीजर होता है होम्योपैथी? एक तो हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होलिस्टिकली आपके अंदर डिजीज कैसी, होलिस्टिकली हम ना डिजीज़ का लोकल व्यू लेने के बजाय होलिस्टिकली, जैसे डॉक्टर साहब डॉक्टर मीना ने बताया रोग का कारण गुदा है या ऐसे फूड है जिससे कॉन्स्टिपेशन होना, डाइजेशन का वीक होना, हम उस सारे व्यू को लेके हम स्टेज देके और लोकल सिम्टम्स को कंबाइन करके, जैसे ब्लीडिंग पाइल्स है तो क्या मेडिसिन है, पेनफुल पाइल्स, यूजली एक्सटर्नल पाइल्स पेनफुल होती हैं तो उनका क्या, एक्सटर्नल पाइल्स का क्या ट्रीटमेंट करना है, तो ऐसे डिफरेंट करके हम होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीट कर देते हैं। दूसरी चीज़, एक मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, आजकल IBS नाम की बीमारी बड़ी कॉमन है जो कॉन्स्टिपेशन से हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। IBS उसको बार बार मोशन फील होना, पेट क्लियर ना होना, तो लोग समझते हैं हमें कॉन्स्टिपेशन, वो फाइबर ज्यादा खाते हैं, बट वो फाइबर ज्यादा खाने से वर्स हो जाती है जी। तो इसलिए एक जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर सदाना ने, कि हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन और अपने कंसल्टेंट को एक बार कभी भी एनोरेक्टल डिजीज होने को मिस ना करें किसी भी एज पे, जब आप मिस करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म पे आपको कॉम्प्लिकेशन ज्यादा दे जाएगी। इनिशियली आपकी एब्सेस मेडिकली भी ट्रीट हो सकती है, डॉक्टर साहब भी आपको बताएंगे, जब वो बढ़ जाती है तब इनको ड्रेन करनी पड़ती है, ड्रेन करनी पड़ती है, बाद में फिस्चुला जिसे भगंदर यहाँ कुछ कहा जाता है, तो वो लॉन्ग टर्म अंदर एब्सेस हो जाती है, तो उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आप इनिशियली शर्म ना करें इन डिजीज के बारे में, अपने कंसल्टेंट को मिले, जरूर दिखाएं। डॉक्टर सदाना, एक चीज जो सबके दिमाग में रहती है, डॉक्टर्स के पास कब जाएं? आपके पास ऐसे कुछ केसेस आते हैं कि पहले लोग हिचकिचाते हैं और बाद में आते हैं जब पेन ऑन डिफिकेशन या फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, व्हेन दे सॉ ऑन टॉयलेट पेपर आल्सो, तो क्या लगता है? वो जो नॉर्दर्न इंडिया में जो पेशेंट्स हमने देखे हैं उसमें फीमेल पेशेंट्स को मेल डॉक्टर से एग्जामिन कराने में संकोच होता है, और कुछ मेल लोग भी जो गांव वाले हैं या पंडित हैं उनमें मैंने देखा है कि काफी संकोच होता है, वो अपनी बीमारी को बढ़ाते रहते हैं और वो दिखाने में उनको प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है, तभी सर्जरी की नौबत आती है। नहीं, सर्जरी का प्रॉब्लम यह है कि जैसे इंडिकेशन है, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला एब्सेस है, सर्जरी की साइड से एब्सेस में कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता, वो पस है, डेड टिश्यू है, उसको बाहर निकलना है, उसके साथ मेडिकल ट्रीटमेंट है जी। अगर आप पस को अंदर रख के बैठेंगे, सुखाने की कोशिश करेंगे, तो एनोरेक्टल रीजन से वो कहीं इधर उधर अपने आप फटेगी, तो जहाँ भी फटेगी वो कॉम्प्लिकेशन करेगी। और जो आपका पॉइंट है कि लोग डिले करते हैं, वो नेचुरल है क्योंकि प्राइवेट पार्ट है, हर एक किसी को संकोच होता है। इंटरमिटेंट भी बीच में, जैसे आपने 6 महीने के लिए किसी को पाइल्स ट्रीटमेंट या IBS की ट्रीटमेंट के लिए डाल दिया, फ्रॉम मेडिकल साइड IBS इज अ डायग्नोसिस एक्सक्लूजन, मतलब कोई और बीमारी नहीं है तो IBS है, तो उसमें किसी 60 ईयर्स लेडी में IBS सोच के आप कोलन कैंसर को मिस कर सकते हैं। अच्छा, कोलन कैंसर को मिस किया जा सकता है जो सिम्टम्स होते हैं उसका। 30-40 एज ग्रुप में आप अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज जैसी इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बीमारियों को मिस कर सकते हैं। तो अगर आयुष डॉक्टर और एलोपैथिक डॉक्टर आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, ये लोग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलेंगे, हम लोग इनसे मिलेंगे, तो ये वाली मिस नहीं होंगी चीजें, क्योंकि जो
पेशेंट का संकोच है वो इनके साथ जल्दी खुल जाता है क्योंकि उनके नियर बाय डॉक्टर हैं और एक्सेसिबल हैं और लोअर कॉस्ट में काम होता है। बिल्कुल, मैं ऐड करना चाहूँगा डॉक्टर साहब की, बड़ी इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब ने इन्फॉर्मेशन दी है। जैसे हमने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि फिस्टुला के बड़े पेशेंट आते हैं, फिस्टुला के केसेस को ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है। हमने पाया कि होम्योपैथी में शोध भी हुआ है कि जिनमें कई बार ऑपरेशन भी सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिस्टुला के केसेस में होम्योपैथी बड़ी इफेक्टिव रही। अच्छा, कुछ केसेस में क्या होता है कि ट्यूबरक्लोसिस करके वो फिस्टुला हील नहीं होता। तो इस तरह से जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, काउंटर चेकअप, एक दूसरे को रेफरल करके, पेशेंट वेलफेयर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आयुष मिनिस्ट्री का जो गठन ही इसलिए हुआ कि भारत वर्ष में हम डिजीजेस को बचाएं, प्रिवेंशन करें। जैसे अब योग का प्रचार कितना हो गया, अब जैसे सिंपल भस्त्रिका प्राणायाम करें, कुंजल करें, न्योली करें, जो पेट के आपकी मोबिलिटी अच्छी रहे। थोड़ा सा 15 मिनट भी अगर आप मॉर्निंग में उठ के अपनी पेल्विक एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार ही कर लें आप, तो आपकी पूरी पेल्विक मूवमेंट हो जाएगी, आपको उम्मीद है काफी रोगों से आप बच सकेंगे। तीन एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, आयुर्वेदा, होम्योपैथी और सर्जन भी हैं। तो मैं एक सवाल तो आपसे ही पूछना चाहूंगी, शुरुआती आपने प्रॉब्लम की बात की। आमतौर पर घरों में देखा जाता है कि अगर पेट साफ नहीं हो रहा या पेट से संबंधित कोई भी दिक्कत है, एनोरेक्टल प्रॉब्लम है, तो इसबगोल लिया जाता है। तो इसबगोल किस तरह से आपकी आंतों को साफ करता है और किस तरह से सिंप्लीफाई करता है चीजों को, क्या आप आयुर्वेद में लोगों को शुरुआती स्टेज में सलाह देते हैं? देखिए मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जनरली कॉन्स्टिपेशन या विमंद होने पर इसबगोल जनरली यूज में लेते हैं, बट अगर इसी इसबगोल को एज ए कॉन्स्टिपेशन हम देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये बहुत ब्रॉड टर्म है। यानी हमें पेशेंट को देखना होगा कि मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से कॉन्स्टिपेशन डेवलप हुआ, और अगर जैसे उसकी जठराग्नि ठीक है, खाना प्रॉपर डाइजेस्ट हो रहा है, उसके बावजूद भी अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो फिर उस कंडीशन में हम जनरली इसको देखा जाता है। पर जैसे अगर खान पीन ठीक है और उसके बावजूद भी अगर इंटेक ऑफ वाटर पेशेंट कम ले रहा है, या हम यूँ कहें कि कुछ जैसे एडिक्टिव पेशेंट होते हैं, जैसे स्मोकिंग हुआ, टोबैको हुआ, ऐसे पेशेंट में नेचुरली उनको डाइजेशन ठीक रहता है बट कॉन्स्टिपेशन में प्रॉब्लम रहती है, तो उन लोगों में इसबगोल बड़ा अच्छा काम करता है। नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसबगोल एक्चुअली मैम वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है, स्टूल की अमाउंट बढ़ा देती है, जिससे ताकि और स्मूथली लार्ज इंटेस्टाइन से स्टूल पास हो जाए और प्रॉपर रूप से, यानी कि बड़ी आंत साफ हो जाती है। जी डॉक्टर सदाना, कई बार ऐसा देखा जाता है पेशेंट्स के दिमाग में ज्यादातर रहता है क्या सर्जरी कराने के बाद प्रॉब्लम बढ़ जाती है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सर्जरी तभी की जाती है जब प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, लेकिन सर्जरी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा आम लोगों के दिमाग में होता है, क्या ये बात सही है? जी, सर्जरी में प्रॉब्लम ये है कि सर्जरी के बाद हीलिंग टाइम देने का समय किसी के पास बचा नहीं है। जी हाँ, तो ये परसेप्शन इसीलिए बना हुआ है, और प्लस सर्जरी में पेन इन्वॉल्व है, जो दर्द है उससे सब लोग बचते हैं। और आप कोई भी टैबलेट या कोई भी मेडिकेशन खाते हैं, हर एक चीज़ का अपना कोई छोटा मोटा साइड इफेक्ट क्रिएट होता है। जी, सर्जिकल साइंसेज के पास प्रॉब्लम यह है कि जब सर्जरी इंडिकेट हो गई तो और कुछ काम नहीं करेगा, राइट? तो उसकी सेफ्टी बढ़ाने के लिए और उसमें अर्ली रिटर्न टू वर्क इज द लेटेस्ट बज वर्ड इन सर्जरी। सेफ्टी इन सर्जरी पे प्रोटोकॉल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, ताकि हम पेशेंट की ट्रीटमेंट को जितना सेफ हो सके बना दें, प्लस सर्जरी से जो डर है उसको नॉलेज से निकाल सकते हैं। पेशेंट को आप उसकी प्रॉब्लम दिखाइए, उसकी फोटोग्राफ्स दिखाइए, सर्जरी का टाइप दिखाइए, उसका टाइम ऑफ रिकवरी उसको समझाइए कि इतना टाइम उसको निकालना पड़ेगा अपनी लाइफ में से, तो प्रॉब्लम्स कम आती हैं। तो डाइटरी गाइडलाइंस क्या रहती हैं, उसके बाद डाइट किस तरह की ली जाती है? एनोरेक्टल सर्जरीज में जो एलोपैथिक साइंस है उसमें जनरली हम इसबगोल और हाई फाइबर डाइट और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स प्लस जो ओवरनाइट काम करते हैं उनको सजेस्ट करते हैं कि टेम्परेरीली आप डे जॉब्स ले लीजिए, क्योंकि बॉडी का जो क्लॉक चेंज होता है उससे इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। बट जनरली पोस्ट सर्जरी एक महीने तक यू हैव टू कीप योर स्टूल सॉफ्ट, तो उससे हीलिंग हो जाती है। बट सर्जरी शुड नॉट बी टेकन कि इट विल बी ऑलवेज वेरी पेनफुल, पर जिसके पास जिसको बड़ी सी पस बड़ी हुई है और दर्द में चीख रहा है, उसके लिए सर्जरी इज लाइक ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड, आपने सर्जरी करी और शाम तक पेन फ्री। तो एडवांसमेंट क्या क्या हो गई है, और लेप्रोस्कोपी की अगर हम बात करें, आप उसमें माहिर हैं, तो क्या फर्क आया है सर्जरी में?
लेप्रोस्कोपी ने इंसिजन्स छोटे कर दिए, जो कट लगता था वो छोटा कर दिया, तो जो पेन इन्वॉल्व है और जो रिकवरी टाइम है वो सिग्निफिकेंटली शॉर्ट हो गया. प्लस अंदर जो रीच है उसमें 20 टाइम मैग्निफिकेशन दिख रही है हाई डेफिनेशन में, तो आप स्ट्रक्चर्स की इंजरी लिमिट हो जा रही है, बेटर कर सकते. लेकिन उसमें प्रॉब्लम है लर्निंग कर्व ज्यादा है, क्योंकि आप टू डायमेंशन में ऑपरेट करते हैं और 3D एक्चुअल होता है, तो उसमें 10 से 15 साल आपको लैप्रोस्कोपी में काम करना पड़ता है टू गेन एक्सपर्टीज, तो लर्निंग कर्व बढ़ जाता है. और मेनली प्रॉब्लम ये आती है कि जो सेंट्रल मैसेज हम ड्राइव डाउन कर रहे हैं कि अर्ली है तो सर्जरी नहीं है जी, राइट, वो मैसेज इतना स्ट्रांगली नहीं जाना चाहिए. मेनली ये जाना चाहिए कि डायग्नोसिस हो जाए, डिजीज डायग्नोसिस प्लस टाइप ऑफ डिजीज वो क्लिनिकली क्वांटिफाई हो जाए, दिख जाए ये है, उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट लॉन्च हो जाए. आप छोटा सोच के अपने पाइल्स का ट्रीटमेंट किया, एक बार ब्लीड हुआ, 6 महीने बाद दूसरा ब्लीड हुआ, 6 महीने तक डिजीज स्टेज 1 से स्टेज 4 पहुंच गई, राइट, देयर इज नो कमिंग बैक. तो वो चाहते हैं कि वो वाली डिजीजेस ना मिस हो. एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे हमारा हमारा देश काफी डाइवर्स देश है, बहुत बड़ा देश है, बहुत छोटे और सुदूर पूर्व हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं, बहुत दूर दूर ऐसे इलाके हैं जहाँ कई बार मेडिकल फैसिलिटी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की फैसिलिटी भी नहीं है, तो वो लोग हमारे इस प्रोग्राम्स को, डॉक्टर ऑनलाइन को रेगुलर देखें, उन लोगों को इस प्रोग्राम से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि देश के सारे जाने माने एक्सपर्ट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं. चलिए, तो आप जरूर हाँ, ये आपने कहा. और डॉक्टर राकेश मीना आपसे जानना चाहेंगे, आयुर्वेद की हम बात कर रहे हैं, ज़रूर हमारे दर्शक जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको बताएं कि किस तरह से सेडेंटरी लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस करके और आयुर्वेद और ख़ासतौर पर कुछ योगासन करके किस तरह से प्रॉब्लम को बढ़ाया नहीं जा सकता और वहीं रोका जा सकता है. जी मैम, जनरली आयुर्वेदा का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो हमारे दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे यहाँ एक चीज मैम क्लेरिफाई मैं कर देना चाहता हूँ कि एक बार जैसे पाइल्स हुआ, आपने सर्जरी करवा ली और आप पूरी तरह स्वस्थ हो गए, तो ये कोई मतलब गारंटी नहीं है कि आप इन फर्दर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी. तो मैंने कि आपका आपको फिर आप पूरी उम्र एक अच्छे से उसका पालन करना, आपको क्या खाना और है, आहार विहार खान पीन में आपको प्रॉपर मेंटेन करना रहेगा जी. डॉक्टर नवल, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं जी. मैं एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज कहना चाह रहा हूँ जी, बच्चों के लिए, बच्चों में कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन हो चुकी अब कॉमन हो गया है जी, फास्ट फूड की वजह से. नहीं, 2-3 कारण है. हम लोग सोचते हैं कि हम दूध देते जाएं तो हमारे बच्चे को पूरी न्यूट्रिशन मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, हमें बैलेंस डाइट देनी है. बैलेंस डाइट का मतलब है सभी प्रकार का भोजन बच्चे को दें, उसको दलिया दें, उसको खिचड़ी दें, सारी दालें दें, दलिये में सब्जियां डालें, चपाती गूंदें तो उसमें पालक डाल दें, सब्जियां डाल दें, ताकि बच्चे में शुरू से फाइबर जाने की आदत बढ़े. बच्चों को अगर कॉन्स्टिपेशन हो गई है तो आप प्रूंस होते हैं वो दे सकते हैं, मुनक्का दे सकते हैं, अंजीर दे सकते हैं. और घर का बड़ा सिंपल उपाय, बच्चे को वाटर इनटेक बढ़ाए, बच्चे पानी नहीं पीते. और आप ये सिर्फ ये नहीं हमें सोचना कि सिर्फ दूध देते जाएंगे तो बच्चे को पूरी न्यूट्रिशन मिलेगी, हमें आयरन भी देना है, हमें उसे रफेज देनी है, विटामिन्स देने हैं, तो एक बैलेंस डाइट उसके अंदर जा सकते. तो इस तरह से हम कुछ बेसिक चीजें करके घर में बच्चों को हम हेल्प कर सकते. बिल्कुल, पहले डाइट को चेंज करें. और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर पेट साफ रहता है तो आपके पूरे ऑर्गन्स बॉडी के सही तौर पर काम करते हैं. एक सवाल मेरा डॉक्टर आशीष सरदाना से है. डॉक्टर सरदाना, जब सर्जरी हो जाती है तो क्या रिकरेंस के चांसेस कई बार बने रहते हैं, क्या दोबारा सर्जरी करने की नौबत आती है अगर पेशेंट ढंग से अपनी डाइट पर और दवाइयों पर काम नहीं करता तो? जो सर्जरी से रिलेटेड रिकरेंस का जो फियर है और जो ये सारा उसके चारों तरफ जो प्रॉब्लम है, उसके 2-3 रीज़न है कि जो वर्कअप टू दी सर्जरी अगर हरिड है, आपने प्राइमरी कॉज को देखा नहीं कि कॉन्स्टिपेशन अभी सिर्फ डाइट से रिलेट की जा रही है, कॉन्स्टिपेशन लाइफस्टाइल से रिलेट की जा रही है, कॉन्स्टिपेशन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिक नैरोइंग भी तो हो सकती है ना, जैसे बच्चे में कंजेनिटल डिजीज है या किसी एल्डरली में कोई कैंसर या ट्यूमर है या ट्यूबरक्लोसिस से रास्ता टाइट हो गया, तो वो कॉन्स्टिपेशन हो गई. अब उसका ट्रीटमेंट सिर्फ डाइट से नहीं होगा, उसमें सर्जरी का रोल आएगा ही. और जो रिकरेंस वाला पार्ट है उसमें डिजीज के स्पेसिफिक रिकरेंस है. अगर पाइल्स है और आप कॉन्स्टिपेशन मैनेज करके पाइल सर्जरी करते हैं, उसके बाद वापस कॉन्स्टिपेशन मैनेज करते हैं, तो रिकरेंस रेट 1% के पास पहुंच जाता है. 1% इज रियली लाइक कंप्लीट क्योर जी. तो वो एक इश्यू रहता है. प्लस जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ गई, पाइल्स में स्टेपलर ट्रीटमेंट आ गया, वो जो आर्टरी फीड कर रही होती है उसको लाइगेट कर देते हैं अलग से,
सो टेक्नोलॉजी टूवर्ड्स लेस पेन, अर्ली रिटर्न टू वर्क, वो एडवांस होती जाती है. उसकी वजह से भी पोस्ट ऑपरेटिव पेन जैसे नहीं है तो सर्जरी का रिजल्ट आउटकम बेटर हो जाता है. बिल्कुल. क्या सलाह देंगे हमारे दर्शकों को? जो एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए आपको एक तो जब प्रॉब्लम हो तुरंत जो नियर बाय आपके डॉक्टर अवेलेबल है, अगर यू आर फॉर्चुनेट के सर्जन अवेलेबल है तो उसको, नहीं तो आयुष डॉक्टर अवेलेबल है तो उसको, पर किसी एक डॉक्टर को दिखाइए जो फिजिकली नीचे से चेकअप करके देखे. जी राइट. सारा प्रॉब्लम इस बात पे भी आ जाता है. तो शर्माए नहीं, घबराए नहीं, हिचकिचाए नहीं. जी डॉक्टर नवल, क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जब भी आपको अपनी बाउल हैबिट्स, मतलब आपके पेट के साफ होने की हैबिट्स चेंज होनी शुरू करें और आपकी एज 50 से ऊपर हो, तो ये चांसेस हो सकते हैं कि कुछ खतरनाक बीमारी, ट्यूमर वगैरह भी आप डेवलप कर सकते हैं. तो इमीडिएटली 50 से ऊपर के रोगी तो इमीडिएटली अपने कंसल्टेंट को रेक्टल एग्जामिनेशन मस्ट करवाएं. थर्ड, अपना लाइफस्टाइल चेंजेस पे, योगा पे बहुत ध्यान दें, जिस पे हमारा मंत्रालय भी बहुत जोर दे रहा है. मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि एनोरेक्टल डिसऑर्डर में मैम आम लोगों को सिर्फ एक ही बीमारी की, जनरली वो समझते हैं कि बवासीर हो गया जी, पर ऐसा नहीं होता. एनोरेक्टल रीजन में बहुत सारी डिजीजें होती हैं और कुछ तो बहुत ही मतलब फैटल होती है. तो आपके नियर बाई, जैसे जब भी आपको अगर कुछ कंप्लेंट लगे तो नियर बाई डॉक्टर को आप उसको दिखाइएगा, क्योंकि एनोरेक्टल रीजन्स की जो डिजीज है उसमें हम पेशेंट हिस्ट्री या इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड है, क्योंकि उसको जनरली फिजिकली इंस्पेक्शन करना रहता है. जब तक सर्जन उसको प्रॉपर चेक नहीं करेगा, देखेगा नहीं, तो समझ में नहीं आएगा. तो हमारे साथ जुड़े हुए थे आज डॉक्टर राकेश मीना, डॉक्टर नवल कुमार वर्मा और डॉक्टर आशीष सरदाना. आप तीनों ने अपना कीमती वक्त दिया और इतनी अच्छी जानकारी दी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. क्रिसमस का दिन है तो आज से ही हम रेजोल्यूशन मनाते हैं कि अपने लिए थोड़ा सा समय निकालेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, और अगर किसी को अवेयर करना है तो हिचकिचाए नहीं, उनके साथ सुख बांटे, दुख बांटे, लेकिन आगे आए, अपनी प्रॉब्लम से शर्माए नहीं. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है doordarshandoctoronline@gmail.com. फिलहाल दूरदर्शन डॉक्टर ऑनलाइन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त. नमस्कार, गुड इवनिंग.